सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। कंप्यूटर हार्डवेयर में हम लोग आज सीखेंगे कि एक कंप्यूटर सिस्टम को असेंबल करने के लिए उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं और उनके बेसिक पर्पस क्या है। कंप्यूटर के सारे फिजिकल पार्ट्स की बात करें तो हमारे सामने हमने उसको सारे बोर्ड पे हमने सारे फिजिकल पार्ट्स को रख दिया है जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम को तैयार करने में काम आते हैं। हमने आपके सामने एक छोटा सा कंप्यूटर का डायग्राम या फिगर बनाया है जिसमें दिखाया है कि ये है आपका मॉनिटर। यस, इट इज आल्सो कॉल्ड वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये आपके कीबोर्ड एंड माउस है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं। ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा सीपीयू कहलाता है। इसका फुल फॉर्म हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। सो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये तो आपके साथ अलग अलग पार्ट्स हो गए जो कि आपके मार्केट से परचेज करने होते हैं। सीपीयू जो हो गया ये आप अपने हिसाब से असेंबल करा सकते हैं। आप इसके अलग अलग पार्ट्स को अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट करके एक कंप्लीट सीपीयू तैयार कर सकते हैं। तो आज हम लोग हार्डवेयर सेक्शन में देखेंगे कि ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं इनका काम क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीपीयू में आ गया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारा वो सेंट्रल सेक्शन होता है या सेंट्रल चिप है जो हमारे कंप्यूटर के सारे प्रोसेसिंग को कंट्रोल और मैनेज करता है एंड इवन सारे कंपोनेंट्स को भी कंट्रोल और मैनेज करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को समझना है तो माइक्रो प्रोसेसर को उसके स्पीड के हिसाब से आजकल हम आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली दो तीन कंपनियां हैं मार्केट में जिसमें इंटेल है, एएमडी है और वाया है, लेकिन इंटेल कंपनी की माइक्रो प्रोसेसर को आज लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंटेल कंपनी ने भी माइक्रो प्रोसेसर को डे टू डे उसमें बहुत सारे चेंजेस करते हुए उसके काफ़ी सिंपल और एफिशिएंट बनाया है ताकि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को इन्हांस किया जा सके, आप अपने काम को और कंफर्टेबल तरीके से कर सके। अगर बात करें माइक्रो प्रोसेसर में, आज के दौर में जो माइक्रो प्रोसेसर फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं वो इंटेल का कोर सीरीज है जिसमें कोर i3, कोर i5, कोर i7 आता है। अब कोर i3, i5, i7 में भी वो हर कुछ समय के बाद उसमें भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट मतलब उसके स्पीड को थोड़े इन्हांस करते जा रहे ताकि कंप्यूटर जो है वो यूजर के लिए काफ़ी एफिशिएंट हो जाए। तो उसमें वो लोग चेंजेस कर रहे हैं जिसको जनरेशन वाइज बोलते हैं थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपका माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड क्या है जिसे हम लोग गीगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं। तो कंप्यूटर के केवल स्पीड से ही हमारा प्रोसेसिंग स्पीड इफेक्ट नहीं होता है, इसके साथ साथ हमें और भी कुछ टॉपिक्स को चीज़ों को समझना होता है जैसे उसका फ्रंट साइड बस FSB क्या है, वो कैश मेमोरी सपोर्ट करता है कैसे। तो इसके हिसाब से बात करते हैं मदरबोर्ड का। यस, ये एक बड़ा सा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिस बोर्ड के ऊपर में हमारे ये डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं। सो मदरबोर्ड एक तरह का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इस बोर्ड से हमारा माइक्रो प्रोसेसर उसके ऊपर कनेक्ट होगा, उसको वो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करता है माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि उसमें छोटे छोटे लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं तो उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन हीटिंग के साथ भी यूज होता है उसके अंदर। और मदरबोर्ड नाम इसका इसलिए रखा गया कि ये एक ऐसा बोर्ड है जो कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को एक साथ एक जगह जोड़ता है। तो ये हमारा मदरबोर्ड और मदरबोर्ड भी डिवाइस डिसाइड करना है आपके माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से, क्योंकि जब आप माइक्रो प्रोसेसर ले रहे होते हैं तो आपको डिसाइड करना होता है कि उसी का कंपेटेबल मदरबोर्ड हो। फिर हम लोग बात करते हैं रैम की। यस, रैम इज अ मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर को कोई भी प्रोसेसिंग के लिए जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन फीड किया जाता है वो इनिशियली रैम में आता है और जब उसे परमानेंटली स्टोर करते हैं तो फिर सेकेंडरी मेमोरी पे हार्ड डिस्क से किसी और सेक्शन में जाके स्टोर होता है। सो रैम ये भी हमें डिसाइड करना होता है मदरबोर्ड किस तरह के रैम को सपोर्ट करता है। एक मेमोरी है जिसमें आजकल अगर जो मदरबोर्ड के साथ हम काम कर रहे होते हैं जिसमें अगर हम कोर i3 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो मदरबोर्ड हमारा उस सीरीज का है तो उसके साथ जो रैम होगा वो आपका DDR3 या DDR4 लगेगा या DDR2। ये मदर रैम के अलग अलग टाइप हैं जो जिनका उनके स्पीड के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसमें DDR2, DDR3। उसके बाद फिर बात आता है आपका हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क
यस ये भी मेमोरी है बट ये परमानेंट स्टोरेज सेक्शन है जहाँ पे सारे डेटा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जाके परमानेंटली स्टोर होते हैं। तो ये हार्ड डिस्क जो है ये आपको चूज करना है, इसकी कैपेसिटी होती है। हार्ड डिस्क को मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं जिसमें आजकल जो यूनिट यूज़ हो रहे होते हैं हार्ड डिस्क में वो आपका गीगाबाइट में आता है, जीबी में आता है। जैसे आजकल कॉमनली यूज़ होने वाले हार्ड डिस्क हैं आपके 500 GB, 1 TB, लगभग 1000 GB को 1 TB कहते हैं लगभग, मतलब 1024 GB को। उसके बाद 1 TB, 2 TB का हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है। उसके बाद एक ऑप्टिकल ड्राइव होता है, ऑप्टिकल ड्राइव जिसमें आप CD, DVD प्ले कर सकते हैं या आप उसको राइट भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्टिकल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा वो कैबिनेट जिसके अंदर एक पावर सेक्शन लगा होता है जिसे हम SMPS कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई। इस स्विच मोड पावर सप्लाई की मदद से ही हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को पावर जाता है। वो सारे पावर DC पावर होते हैं जिनके अलग अलग वोल्टेज होते हैं, 12 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो इस तरह से हम स्विच करके हर कंपोनेंट्स में अलग अलग वोल्ट का वो पावर सप्लाई करने में मदद करता है। तो ये कैबिनेट के साथ आता है क्योंकि कैबिनेट आपके अलग अलग फॉर्म फैक्टर के होते हैं, डिपेंड करता है उसका लुक या आपका जगह किस जगह पे कैसे उसको एडजस्ट करना है, उसके हिसाब से आपके कैबिनेट्स आते हैं। तो आप कैबिनेट डिसाइड करते हो और ये कैबिनेट जिसमें SMPS लगा है जो आपके सामने टावर की तरह दिख रहा है, ये आपका कैबिनेट हो गया जिसमें ये सारे कंपोनेंट एडजस्ट हो जाते हैं और फाइनली आपका एक CPU तैयार हो जाता है।